देश में आरएसएस के लोग, कट्टरपंथी लोग नफरत फैला रहे हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। मीडिया में बस मोदी जी का चेहरा दिखता रहता है 24 घंटा। मीडिया में आपको बॉलीवुड के स्टार दिखेंगे, क्रिकेट मैच दिखेंगे, मोदी जी समुद्र के नीचे दिखेंगे। हमने सोचा मीडिया में बात नहीं आती, चलो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। नरेंद्र मोदी जी लोगों का ध्यान इधर उधर क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो धन है वो 10-15 लोगों के जेब में चला जाए। वो चाहते हैं कि अदानी जी जैसे अरबपतियों को हिंदुस्तान की पूरी पूंजी पकड़ा दी जाए। लक्ष्य है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 30 लाख वैकेंसीज भर के हम आपको पकड़ा देंगे। रमजान मुबारक। पिछले साल कन्याकुमारी से, भैया शांत हो जाएं, 2 मिनट शांत हो जाएं, आसान हो जाएगा मेरा काम, मेरी मदद करें थोड़ी। पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम भारत जोड़ो यात्रा में चले, समुद्र से लेकर हिमालय तक, पहाड़ों तक हमने ये यात्रा की। आपको मालूम है कि देश में आरएसएस के लोग, कट्टरपंथी लोग नफरत फैला रहे हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। और मीडिया में तो बात आती नहीं है, मीडिया में बस मोदी जी का चेहरा दिखता रहता है 24 घंटा। किसानों के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे मीडिया में आपको कभी नहीं दिख सकते। मीडिया में आपको बॉलीवुड के स्टार दिखेंगे, क्रिकेट मैच दिखेंगे, मोदी जी समुद्र के नीचे दिखेंगे, सी प्लेन में उड़ते हुए दिखेंगे, फिर कभी आपसे कहेंगे भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मोबाइल फोन चमकाओ, कोविड से लाखों लोग मर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सबको एक साथ नचवा रहा है। तो ये ड्रामा देश में चल रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। तो हमने सोचा मीडिया में बात नहीं आती, चलो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और पूरे देश में लोगों को साफ पता लग गया कि एक तरफ नफरत है तो दूसरी तरफ मोहब्बत है। क्योंकि आप जानते हो, नफरत को नफरत नहीं काट सकती है, नफरत को मोहब्बत ही काट सकती है। और जैसे मैंने यात्रा में मोहब्बत की दुकान खोली, वैसे ही आप हर रोज मोहब्बत की दुकान खोलते हो। अब देखिए ये सब हो क्यों रहा है। नरेंद्र मोदी जी लोगों का ध्यान इधर उधर क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो धन है वो 10-15 लोगों के जेब में चला जाए। वो चाहते हैं कि अदानी जी जैसे अरबपतियों को हिंदुस्तान की पूरी पूंजी पकड़ा दी जाए। लक्ष्य है, आप देखिए हिंदुस्तान में 22 लोग हैं,
सबसे अमीर 22 लोग हैं, उनके पास उतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ हिंदुस्तानी, उसमें किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, जितना उनके पास धन है उतना ही धन सिर्फ 22 लोगों के पास है। यह है हिंदुस्तान की हालत। मीडिया देखो, एयरपोर्ट्स देखो, पोर्ट्स देखो, पावर जनरेशन देखो, सेलफोन देखो, जहां भी आप देखोगे यही 20-25 लोग आपको दिखाई देंगे। ये आप फोटो ले रहे हो ना, मोबाइल फोन पे 6-7 घंटे रहते हो, रील देखते हो, पैसा कौन बनाता है? अदानी अंबानी वो ही लोग। गाड़ी में पेट्रोल डालते हो ना, पैसा कौन बनाता है? हिमाचल का सेब खाया है, पैसा कौन बनाता है? सड़क पे चलते हो, पैसा कौन बनाता है? यहां पे बिजली के दाम बढ़ते जाते हैं, पैसा कौन बनाता है? तो हर जगह वही 20-25 लोग पैसा बनाते हैं, और मीडिया में ये जो हमारे मित्र बैठे हैं ये उन्हीं 25 लोगों का काम करते रहते हैं 24 घंटा। और लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का ध्यान कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर जाए, मगर असली सवाल ना पूछा जाए। असली सवाल हिंदुस्तान में सिर्फ 3 है। एक, बेरोजगारी, दूसरी महंगाई, और तीसरी भागीदारी। हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में जा रहा है वो है भागीदारी। महंगाई और बेरोजगारी से आप सब सामना करते हो, हर रोज करते हो। यहां पे युवा प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, 5-10 लाख रुपए लग जाते हैं, डिग्री लेते हो, उसके बाद हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जो छोटा बिजनेस चलाते थे, यहां पे जो आपकी लूम यहां भी देखता हूं, यहां पे जो आपकी पावर लूम्स हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, उनको जीएसटी और नोटबंदी ने खत्म कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जैसे अरबपतियों के लिए काम किया है। अरबपतियों ने उनसे कहा, देखो अगर अपना चेहरा टीवी पे चाहते हो तो जीएसटी नोटबंदी लागू करो, और ये जो छोटे व्यापारी हैं हिंदुस्तान में इनको सबको खत्म करो। और वो ही नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, रोजगार बड़े अरबपति नहीं देते हैं। रोजगार यहां पावरलूम में मिलता है, रोजगार छोटे व्यापारी देते हैं, रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग देते हैं। उन सबको नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है। तो आज हिंदुस्तान की हालत है कि इस देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। पहले आप 400 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदते थे, यूपीए की सरकार थी, अब कितने का है? अब कितने का है? 1100। मोदी जी ने कहा था गैस सिलेंडर महंगा है, 400 था 1100 कर दिया। आज मीडिया वाले नहीं कहते कि भैया गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 5 काम करने की गारंटी दी है। वो मोदी वाली गारंटी नहीं, कांग्रेस वाली गारंटी, हमारी गारंटी, मेरी गारंटी, वारंटी के साथ। तो देखिए, जब ये नफरत फैलाई जाती है तो देश कमजोर होता है।
अभी ये क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा इनके एमपी ने अभी कहा कि चुनाव के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे। देखा आपने, संविधान को खत्म कर देंगे, टेस्ट कर रहे हैं। उसको बताया गया कि भैया तुम ये बोलो, देखो रिएक्शन कैसा आता है। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो संविधान को खत्म कर सकती है। इससे आपको अधिकार मिला है, यह देश की नींव है, इसको कोई नहीं छुएगा। ये कुछ भी कह लें, हम इनको नहीं छूने देंगे। सबसे पहला ये। दूसरी बात, हमने पता लगाया 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, 30 लाख। जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 30 लाख वैकेंसीज भर के हम आपको पकड़ा देंगे।